इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीरो बैलेंस अकाउंट के बारे में। अब ये जीरो बैलेंस अकाउंट होता क्या है, आपने बहुत सारी एडवर्टीजमेंट देखी होगी जिसमें बैंक वाले कहते हैं कि हम आपका अकाउंट जीरो बैलेंस अकाउंट खोल सकते हैं हमारी ब्रांच में। लेकिन जब आप ऑनलाइन अकाउंट ओपन करवाने जाते हो या ब्रांच में, तो आपसे जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन तो कर दिया जाता है, लेकिन उसके बाद में आपसे कहा जाता है कि आपको एक न्यूनतम राशि 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 या 5000 रुपये की न्यूनतम राशि जमा करानी पड़ती है। तो फिर ये कहे का जीरो बैलेंस अकाउंट। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि सच में जीरो बैलेंस अकाउंट का मतलब क्या होता है, क्या भारत में कोई ऐसी बैंक है जो सच में जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करती है। तो सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। जीरो बैलेंस अकाउंट यूको बैंक में खुलवा लो, चाहे आप PNB यानी पंजाब नेशनल बैंक में खुला लो, इन दोनों बैंक में आप ऑनलाइन और जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हो। लेकिन इन अकाउंट को जब मैंने ओपन किया तो उसके बाद में मुझे कुछ ऐसी बातें पता चली जिनको सोचकर मैं परेशान हो गया कि यार किन बैंकों में अकाउंट ओपन करवा लिया। जैसे मैं आपको बताता हूँ पंजाब नेशनल बैंक की। तो पंजाब नेशनल बैंक में क्या होगा कि आपको न्यूनतम राशि जमा करानी पड़ती है 500 रुपये, 1000 रुपये, वो आपके क्षेत्र पर निर्भर करता है कि आप सेमी अर्बन में रहते हो या अर्बन में रहते हो या आप मेट्रो सिटी में रहते हो, उसके अनुसार अलग अलग राशि है। लेकिन फिर ये क्यों कहते हैं कि जीरो बैलेंस अकाउंट है? जीरो बैलेंस अकाउंट का तो मतलब ये होना चाहिए ना कि कभी भी आपको इस बैंक अकाउंट में एक भी रुपया जमा करा के रखना नहीं है, यानी आपको जीरो बैलेंस मेंटेन करके रखने हैं। आप ओपन तो जीरो बैलेंस कर देते हो लेकिन उसके बाद में कहते हो कि नहीं आपको तो 500 रुपये या 1000 रुपये जमा करा के रखने पड़ते हैं। अरे तो उसका फायदा क्या है फिर सर? ऐसी ही बात यूको में भी आप ऑनलाइन अकाउंट ओपन करवा लेते हो तो उसके बाद में आप जब भी ब्रांच जाओगे या आपने अकाउंट ओपन भी करवा लिया ना, तो आपको 1000 रुपये न्यूनतम राशि जमा करा के रखनी ही पड़ती है अकाउंट में, नहीं तो आपके अकाउंट से पैसे कटने शुरू हो जाएंगे। और वो पैसे किस नाम पे कटेंगे? नॉन मेंटेनेंस बैलेंस, यानी आप अपने अकाउंट में बैलेंस मेंटेन करके नहीं रखते हो। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि भाई यदि आप कोई भी अकाउंट ओपन करवाते हो YouTube पे देख के या कोई सा भी अकाउंट ओपन करवाते हो, तो पहले ध्यान रख लेना कि उसमें जीरो बैलेंस अकाउंट है लेकिन आपको कोई बैलेंस मेंटेन तो नहीं रखना पड़ता। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि भारत की ऐसी दो बैंकें हैं जिनमें जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन होता है और मैं पिछले 4 महीने से यूज कर रहा हूँ बिल्कुल जीरो बैलेंस। तो वो कौन कौन सी बैंक है? तो चलिए सबसे पहले हम कोटक महिंद्रा बैंक का एक अकाउंट है 811 डिजिटल सेविंग अकाउंट, जो बिल्कुल जीरो बैलेंस अकाउंट है। इसमें आप अकाउंट ओपन करवा सकते हो, आपको कोई बैलेंस मेंटेन करके रखने की जरूरत नहीं है। अब दूसरा अकाउंट बताने वाला हूँ, वो खुलता है ICICI बैंक में, जिस अकाउंट का नाम है ICICI माइंड सेविंग अकाउंट, वो भी बिल्कुल जीरो बैलेंस अकाउंट है। तो ये वीडियो यदि आपको थोड़ा बहुत भी पसंद आया है तो लाइक कीजिए, यदि चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।